जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कैसे हैं आप सब? आज हम ए टू जेड मैथ सीरीज के पार्ट नंबर 34 को देखने वाले हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। पिछली वीडियो में मैंने जहाँ तक पढ़ाया था, जस्ट उसी के आगे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, ये आपका अपना चैनल है द ज्ञान सो एजुकेशन, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो हमारा प्रॉफिट लॉस का जो कंसेप्ट होने वाला है, क्रय मूल्य यानी सीपी पर, यानी कि क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी किसके बराबर हो? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के बराबर हो। जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पर आधारित क्वेश्चनों को देखेंगे और वे क्वेश्चन भी लगाएंगे। यानी क्रय मूल्य जो सीपी है, इसके इक्वल हो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के। अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए, एग्जाम्पल दिया हो कि किसी आर्टिकल अवस्थ के 144 रुपये में बेचने पर, 144 रुपये क्या करें, बेचने पर जो सीपी है ना, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या है, इक्वल क्या है, इक्वल इक्वल मतलब बराबर है। ओके, ये इक्वल है तो सीपी बताइए। तो सीपी कितना होगा, सीपी को मान निकालना है। तो बेसिक तरीका हमारा क्या होता है, जो हमारा बेसिक तरीका है, वो बेसिक तरीका क्या होता है, यानी कि जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है ना, क्या होता है, SP माइनस CP बटा CP इंटू 100। ये हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है। तो कह सकते हैं, जब जो हमारा प्रॉफिट जो है वो CP क्या है, इक्वल है, तो CP बराबर क्या हो जाएगा, SP कितना है, 144, यानी कि 144 माइनस CP बटा CP इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या आएगा, CP स्क्वायर बराबर 14400 माइनस 100 CP, ठीक है ना। यानी कि जब ये सी पी इधर से गुणा होगा, यानी सी पी स्क्वायर या 100 से गुणा होगा, यानी कि 1440 इंटू 100 CP, ठीक। अब देखिए, सी पी स्क्वायर इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 100 CP। ओके, अब माइनस कितना आएगा, माइनस 14400 आएगा, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अगर 14400 अगर फैक्टर की बात करें, इसके फैक्टर होंगे 180 होगा, यानी माइनस 180 और प्लस का 80, क्योंकि माइनस 180 क्योंकि है ना, यहाँ सी पी बराबर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, सी पी बराबर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक। अब कहोगे कि डायरेक्ट हमने फैक्टर कैसे निकाल दिया, क्योंकि वह संख्या आपस में गुणा करनी होती है, जिनका जोड़ें तो कितना है, 100 है, यानी कि 180 माइनस 80 कितना, 100 आएगा, और गुणा करें तो कितना, 14400 है। ये फैक्टर हमने दिखाया था, कितना 180 आएगा और 80 आएगा, यानी कि सी बराबर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ओके, अगर यहीं पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कह दें कि किसी वस्तु के किसी वस्तु के 96 रुपये में बेचा जाता है ना, तो सीपी बराबर क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, के इक्वल है, के इक्वल है
तो आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताइए, तो क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालिए। फिर कैसे करेंगे, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि जो सीपी और प्रॉफिट क्या इक्वल है, यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी मान कितना 96, और परसेंट ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, सीपी लिख देंगे, यानी कि क्या आएगा 96 आएगा, 96 माइनस सीपी बटा क्या आएगा, सीपी इंटू, तो ए सीपी सीपी आपस में गुणा हो जाएगा, यानी कि सीपी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 96 × 100, यानी कि 9600 माइनस 100 सीपी। ठीक, यहाँ सीपी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, सीपी स्क्वायर ए जो माइनस है प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 100 सीपी माइनस कितना आएगा, 9600 आएगा। ठीक, अभी 9600 के फैक्टर क्या होंगे, 9600 के फैक्टर ऐसे कौन से होंगे जो आपस में जोड़ा जाए तो 100 सीपी आए और गुणा किया जाए तो 9600 आए, तो इनके हमें क्या फैक्टर निकालना है। तो अगर हम 160 ले लें और हम 60 ले लें, तो 16 × 96 यानी 96 हो जाएगा। इसमें हम कौन सा प्लस लेंगे और कौन सा माइनस लेंगे, बात तो यहाँ समझने वाली यह है। देखिए इसमें जब यहाँ 9600 है तो जो बड़ी वैल्यू होगी ना, तो यहाँ पे तो प्लस आएगी, लेकिन जब एक्स बराबर बात करें तो यहाँ क्या माइनस हो जाएगी, यानी बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी और छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ से सीपी बराबर निकाल कितना आएगा, सीपी बराबर क्या आएगा 60 आएगा, सीपी बराबर जो हमारा 60 आ जाएगा, हमें निकालना क्या है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। जब सीपी बराबर 60 है, जब सीपी बराबर हमारा क्या है 60 रुपया है, तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे एसपी कितना है 96 रुपया, एसपी कितना है 96, यानी कि प्रॉफिट हमारा क्या होगा, यानी कि यहाँ पर एसपी क्या है 96 रुपया है और सीपी कितना है 60 रुपया है। ठीक, तो 96 जब 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 बचेगा, यानी प्रॉफिट कितना हो गया 36 रुपया हो गया। अब मैं निकालना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, यानी कि 36 रुपया, यानी जो सी पी जो हमारा प्रॉफिट हुआ बटे क्या आता है सी पी, यानी बटे कितना है 100 है, ए सॉरी 60 है इंटू 100 इंटू कितना 100 हो जाएगा, यानी कि 6 × 6 अच्छा 4 36, 0 से 0 कट गया, ऊपर कितना बचा 60 बचा, कितना है 60, 60% क्या हुआ हमारा प्रॉफिट हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि एक वस्तु, जो एक वस्तु है ना, एक वस्तु को 264 रुपये में, 264 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है, जो परसेंटेज ऑफ हमारा प्रॉफिट है ना, वो तो सीपी के इक्वल है ही, वो क्या है, वो तो सीपी के इक्वल है ही, सीपी के इक्वल है, तो हम यहाँ से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा उसको हमें फाइंड आउट आउट करना है। देखिए आप जो प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है किसके बराबर है, सीपी के बराबर है, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बराबर क्या हो जाएगा सेम। अब यहाँ यहाँ हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे कि यहाँ देखिए जैसे हमने किया सीपी बराबर 96 - सीपी इंटू, तो लास्ट हमारी इक्वेशन आई जो बड़ी इक्वेशन आई उसमें जो प्लस वाला पॉइंट हुआ हमारा सीपी हुआ, तो अब यहाँ डायरेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ डायरेक्ट करेंगे कैसे, ये जो हमारे कितना है 264 है ना, इसका गुणा होगा तो 26400 हो जाएगा, होगा ना, जिस प्रकार से इसमें देखिए 96 था तो 100 से गुणा करने में कितना होगा 9600 हो गया, तो सेम डायरेक्ट उसी प्रकार से 264 100 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 226400 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर देखिए, इससे फैक्टर कौन से आएंगे, इससे फैक्टर 220 आएंगे और 120 आएंगे, यानी कि 220 × 120 कितना हो जाएगा 264 है ना, यानी कि 26400 हो जाएगा। इसमें जो बड़ी वाली वैल्यू है ये तो माइनस की आएगी, लेकिन ये क्या है प्लस की आएगी, तो हमारी डाटा यहाँ सीपी बराबर कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी
120 हो जाएगी, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि 264 की वस्तु हमने बेची। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है एसपी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एसपी है ना, यानी कि 264 की वस्तु हमने बेची है, अत्थी कितने की, 120 रुपये की, तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमारा, कितने का प्रॉफिट हुआ, यानी परसेंटेज हमें प्रॉफिट निकालना है, तो सीपी बराबर कितने, 120 आ जाएगी, यानी कि 80 यानी 144 रुपया, कितना आएगा, 144 रुपया आएगा। ये हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, बटा सीपी का मान कितना है भाई, 120 है इंटू 100। अब यहाँ से परसेंटेज अब हम प्रॉफिट निकाल देंगे, तो 0 से 0 काट दिए, 12 करना 12, 12 बराबर हम 144, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हुआ कितना आया, 12 × 0 यानी कि 120 है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ हमारा, 120% हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये बार बार ऐसे लिखा रहे हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। कह दिया जाए कि यदि यदि हमारी सीपी का, यदि सीपी का 2 टाइम्स, सीपी का 2 टाइम्स है ना, यानी सॉरी, यदि एसपी का 2 टाइम्स, क्या एसपी का 2 टाइम्स और सीपी का कितना ले लें हम, 1 से 1/2, 1 से 1/2 टाइम्स, यानी कि टाइम्स मतलब गुना, यानी कि 1 से 1/2, यानी कि 3/2 गुना, तो हमें क्या निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है कितना है, 50% है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 50% होगा, तो ओरिजिनल प्रॉफिट कितना होगा, तो हमारा ओरिजिनल क्या, ओरिजिनल प्रॉफिट क्या होगा, कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। बात समझ में आई, कह रहा कि यदि सीपी हमारे 2 टाइम्स है, यदि हमारी एसपी जो है 2 गुना है और सीपी हमारी अगर 3/2 गुना है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना, 50% हो जाता है, जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमारा है 50% हो जाता है, तो ओरिजिनल हमारा प्रॉफिट निकालिए। ठीक है, यहाँ देखिए आप, सीपी एंड एसपी ऑफ प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा, जब हमारा यहाँ कितना, 50% प्रॉफिट, 50% फ्रैक्शन मान 1/2, यानी कि सीपी जब हमारी 2 की रहेगी, तो प्रॉफिट हमारा 1 होगा, तो एसपी कितनी आएगी, 3 रेशियो आ जाएगी, एसपी हमारी 3 रेशियो आ जाएगी। ये हमारा क्या, ये हमारा गिवन है, ये हमारा गिवन है, तो यहाँ से ओरिजिनल क्या आएगा, अगर यहाँ से ओरिजिनल की बात करें, वो क्या आएगा, उसको देखिए आप, यानी कि कितना है सीपी हमारे, कितना है, 3/2 है, और एसपी कितना है, 2 टाइम्स है, तो एसपी हम कितना ले लें, जो 2 टाइम्स आ जाएगा, अगर एसपी हम अगर इसको 2 समय 2 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमें 2 से गुणा कर दें, और यह कितना लें, यहाँ हम 3 ले लें, या हम क्या ले लें, 3 ले लें, तो 3 × 2 = 6, यानी कि 3 का जस्ट गुना हो गया ना, तो सेट हो गया। अब कह रहा है कि एसपी का तो हमने 2 गुना ले लिया, लेकिन सीपी जो कॉस्ट प्राइस है ना, कि 3/2 गुना, जब इसका 3/2 ले लें, तो यहाँ सीपी हमें क्या लेना चाहिए, उस कंडीशन में हमें यहाँ सीपी क्या लेना चाहिए, कि ओरिजिनल कितना हो जाए, 3/2 गुना हो जाए। अगर हम यहाँ एसपी कितना ले, 8/3 ले लें, एसपी अगर 8/3 ले लेंगे, तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट हमारा आएगा 3 माइनस, क्योंकि हमारी एसपी है, 3 − 8/3 है ना, 3 बराबर क्या आएगा, 8/3 आएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यानी प्रॉफिट हमारा 1/3 हो जाएगा, और ओरिजिनल हमारा जो सीपी हो जाएगी, 8/3 हो जाएगी। क्यों, कह रहा है कि किसका जो है 3/2 गुना है, तो मान लीजिए एक्स का क्या है, 3/2 गुना है, तो बराबर किसके हो जाएगा, 4 के, यानी कि एक्स बराबर 4 × 2 = 8, 8/3 आया ना, तो हमने क्या माना ओरिजिनल सीपी, 8/3 माना। अब बात समझ में आई, अब आगे देखिए, अब आगे आप देखिए, हमें निकालना क्या है, हमें अब प्रॉफिट निकालना है ना, ये हो गया ना,
देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1/3 खो रहा है, और हम ये हमारा क्या प्रॉफिट का मान 1/3, और हमारा 8/3 क्या है सीपी है, 8/3 हमारा क्या है सीपी है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पर क्या हो जाएगा, जो हमारा 1/3 हमारा प्रॉफिट हो रहा है और सीपी हमारा 8/3 है ना। देखिए आप सीपी हमारा 8/3 है और प्रॉफिट हमारा 1/3 है, ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ से पलटेगा 3 ऊपर चला जाएगा, /8 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर क्या आएगा 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 1/8 इंटू 100 बराबर क्या आएगा 12.5%। ये क्या आया परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आया, नहीं समझ में आया ना। एक और क्वेश्चन देखिए आसानी समझ में आएगा, एक क्वेश्चन और देखिए आप समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा है कि यदि हमारी एसपी जो है, ध्यान दीजिएगा आप, जो हमारी क्या है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, यदि सेलिंग प्राइस का कितना ले लें 1/2 गुना ले लें, सेलिंग प्राइस का 1/2 टाइम्स, टाइम मतलब गुना सीपी का, सीपी का 1/4 टाइम्स, यानी कि 1/4 गुना करने पर, करने पे क्या हो रहा है, जो आपका परसेंटेज प्रॉफिट है ना, जो आपका परसेंटेज प्रॉफिट कितना होता था 25% होता है, 25% है, तो हमको यहाँ से ओरिजिनल क्या निकालना है, ओरिजिनल सीपी निकालना है, ओरिजिनल प्रॉफिट निकालिए आप, ओरिजिनल प्रॉफिट निकालिए कि ओरिजिनल प्रॉफिट हमारा क्या कितना होगा। तो देखिए आप अगर सीपी एंड एसपी और प्रॉफिट का रेशियो निकालें कितना आएगा, 25% पर कितना 1/4 होता है, यानी कि 4 हमारी क्या हो जाएगी, 4 हमारी हो जाएगी सीपी, तो 5 हमारी क्या हो जाएगी एसपी, और प्रॉफिट का 1 हो जाएगा, है ना, 4 × 1 = 5, यानी कि एसपी हमारी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब आगे देखिए एसपी हमारी 5 हो जाएगी, तो ये हमारा क्या, ये तो हमारा गिवन मान है, हमें ओरिजिनल निकालना है, ओरिजिनल क्या होगा उसको देखिए आप, कह रहा है कि एसपी का 1/2 गुना यानी कि आधा, एसपी का आधा कितना है 5, तो अगर हमारे एसपी यहाँ 10 होगी तो भी तो इसका आधा 5 होगा, बात समझिएगा, कह रहा है एसपी का 1/2 गुना मतलब आधा, जब यहाँ 10 होगा तभी तो वहाँ 5 होगा, बात समझ आई ना। अब आगे पढ़िए, कह रहा है कि सीपी का 1/4 टाइम, सीपी का 1/4, तो अगर यहाँ 16 होगा, अगर यहाँ 16 होगा तो 16 का 1/4 निकालेंगे तभी तो यहाँ 4 आएगा, बस समझ आई ना, इतना बन गया, बस कहानी सब बन गई। जब सीपी हमारी 16 है, एसपी हमारी 10 है, तो प्रॉफिट हमारा कितना होगा, प्रॉफिट हमारा कितना होगा 6, बस समझ ना 6 रेशियो हो जाएगा, जब सीपी हमारी 16 हो जाएगी, एसपी हमारी 10 हो जाएगी, इधर हमारा प्रॉफिट क्या आएगा 6 आएगा, है ना। बाकी देखिए और हमें क्या करना है कि ओरिजिनल में प्रॉफिट निकालना है, कितना ओरिजिनल हमें प्रॉफिट निकालना है, तो 16 है इधर, एसपी 10 है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 6 का, यानी 6/16 इंटू 100, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 6/16 इंटू 100 क्या हो जाएगा 37.5% क्या आएगा, 37.5% का प्रॉफिट आएगा, बात समझ में आई ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसी प्रकार से और देखिए आप, जैसे अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर लिखा हो एसपी का 2/3 गुना, एसपी का 2/3 गुना तो प्रॉफिट कितना होता, तो प्रॉफिट जो है 40%, प्रॉफिट 40% और सीपी का 3/4
दो गुना, ठीक। तो यहाँ से हमें ओरिजिनल, यहाँ से हमें ओरिजिनल प्रॉफिट एंड ओरिजिनल लॉस कितना हो रहा है वो हमको क्या करना, निकालना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आया था ना, एक क्या लॉस आया था, यानी माइनस एक क्या लॉस आया था, क्योंकि 16 हमारी सीपी हो गई, 16 हमारी सीपी हो गई और 10 हमारा एसपी हो गया, तो यहाँ 6 क्या हुआ, लॉस हुआ, यानी कि 3.5 में क्या हो जाएगा, यहाँ लॉस आएगा, प्रॉफिट ना के क्या आएगा, लॉस आएगा। ये तो हमारा प्रॉफिट का मान था, लेकिन ये क्या आएगा, लॉस आएगा। ओके, आगे देखिए आप, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ से सीपी एंड एसपी और प्रॉफिट के निकालिए, जो गिवन है पहले उस पर ध्यान दीजिए आप, क्या गिवन है उसको देखिए आप, क्या गिवन है, 40% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। 40 का फ्रैक्शन मान 2/5, यानी जब कोई वस्तु तो क्या है, 5 की है, तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे एसपी क्या आ जाएगा, एसपी 7 आ जाएगा, एसपी क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर इतना आ गया तो आगे देखिए आप, अब कह रहा है कि एसपी का 2/3 गुना, हम कितना रख लें, हम कितना एसपी का मान रखें जो 2/3 क्या आ जाए, 7 आ जाए उसको, यानी फिर समझिए आप, एसपी का हम मान कौन सा रखें, यानी कि एसपी का मान हम कौन सा रखें कि उसका 2/3 क्या आ जाए, 7 आ जाए, उसका 2/3 क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो अगर हम क्या करें, पहले अगर हम मान लेते हैं कि एक्स का हम 2/3 रख लें, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक। एक्स का कितना आएगा, 7 * 21 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 21/2 आया यहाँ से। फिर इंटू हम ये कर दें, 3 कर दें, अगर ऐसे नहीं बनना ना, ऐसे नहीं बनना, फिर से देखिए आप, इसे टेढ़ा हो जा रहा है, हमें तो आसान करना है। आगे देखिए आप, कह रहा है कि सीपी का 3/2 गुना, तो अगर हम सीपी यहाँ 20 ले लें, सीपी अगर हम 20 ले लें, इसका 2/3 करेंगे तो 5 आएगा, नहीं आएगा। अगर इसका हम 2/3, अगर हम 3/2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। जब यहाँ 5 आ जाएगा तो देखिए आप, इसको पहले आपको गुणा करना पड़ेगा किससे, 3 से। जब इसे 3 से गुणा करोगे तो सबको आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, आगे बात आएगी तो एक बार फिर से 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, तब जाके बात बनेगी। कैसे उसको देखिए आप, कैसे बनेगी उसको देखिए आप, इधर हमारा सीपी कितना हो गया, अरे यार सॉरी, उस पर गुणा कर दिया यार, हमें यहाँ पर करना चाहिए था ना, यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा किससे, पहले तो सब में 3 से गुणा करना पड़ेगा, फिर 2 से, क्यों ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए आप, 5 × 15 = क्या हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया, और जब यहाँ सीपी हम 20 लेंगे तभी तो इसका 3/2 कितना आएगा, 2/3 कितना आएगा, 30 आएगा, बात समझ आई। तो यहाँ से हमारी एसपी क्या हो जाएगी, 63 हो जाएगी, जब सीपी हमारे 20 और एसपी हमारी 63, तो यह जो प्रॉफिट या लॉस कितना आएगा, 43 आएगा, कितना आएगा, 43 आएगा। तो या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंट लाभ करना है, जब हमारा 20 को यानी कि 43, तो हमारे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 20 के रिस्पेक्ट में, इंटू, तो इंटू क्या होगा, इंटू 100 होगा। आगे देखिए, 20 से करना 20, 20 से करना 20, और 20 × 5 = 100, 43 × 5 कितना होता है, 215 होता है, यानी 215% क्या होगा, लॉस होगा, 215% क्या होगा, लॉस होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए। इसमें कह दें कि हम अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा हो, 20% का प्रॉफिट हो रहा हो, और वह अपना सीपी जो है 10%, सीपी का क्या है, 10%, और 300 रुपया ज़्यादा
सीपी का 10% और 300 रुपये का अगर ज़्यादा पर बेचने बेचे तो ज़्यादा पर क्या हो, बेचे तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, बेचे तो 40% क्या हो जा रहा है, 40% लाभ हो जा रहा है, 40% का प्रॉफिट हो जा रहा हो जाता है। तो सीपी निकालिए आप कैसे करेंगे, देखिए आप यहाँ से हमारा एसपी सीपी का रेशियो देखिए, कह रहा है कि अगर प्रॉफिट को 20%, अगर प्रॉफिट जो 20% हो रहा है ना, तो अपना सीपी जो क्या है 10% और 300 ज़्यादा पर बेचता है, एक कोई वस्तु है सीपी का 10%, सीपी का 10% और 300 रुपये ज़्यादा बेचेगा तो 40 रुपये ज़्यादा लाभ होता है। तो मान लीजिए हम उसको 20% प्रॉफिट बेच रहा है, यानी जब कोई वस्तु हमारी अगर सीपी हमारी कितनी है 100 रुपये की है, तो कितने एसपी बन जाएगी 120 रुपये जाएगी, कितनी जाएगी 20 रुपये की जाएगी। ठीक, अब कह रहा है कि अगर सीपी का 10% और 300 रुपये ज़्यादा है, ठीक आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आप, अब कह रहा है इतना क्या वो अपना सीपी कितना 10% घटा जाता है, क्या माइनस है, 10% क्या करेगा कम कर देगा, जब यहाँ सीपी 10% कम कर देगा यानी कि जब इसमें 10% कमी आएगी कितना आएगा 90 आएगा, यहाँ सीपी कितना आ गया, जब इस यानी इसका 10% सीपी कम तो कितना आएगा 90 आएगा, तो 90 के उस प्रोडक्ट कितना 40% बढ़ जाता है, कितना 40% बढ़ जाता है, तो 90 का हम जब 40% निकालेंगे यानी कि 140 जब प्रॉफिट होगा तो कितना आएगा, 90 का 140 तो कितना आएगा 126 है, 90 का कितना 126 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, पहले हमारा एसपी कितना था, सॉरी हाँ एसपी कितना है 20, यहाँ कितना आ गया 26, यहाँ कहना गया 26, यही हमारा जो 6 रेशियो है, यही जो हमारा 6 रेशियो है इसके बराबर है 300 के बराबर, 1 रेशियो बराबर कितना आएगा 50, 1 रेशियो का मान कितना आ गया 50, आने की 50 रुपया आ गया, यहाँ तक बात समझ में आई ना। अब हमें करना क्या है, सीपी का मान निकालना है, जब 1 रेशियो का मान 50 है तो सीपी हमारी कितनी है 100 रेशियो है, तो सीपी बराबर कितना है 100 रेशियो है, यानी कि 100 × 50 तो सीपी बराबर कितना आएगा 5,000 आएगा, सीपी बराबर कितना आएगा 5,000 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसी पे आप एक और क्वेश्चन देखिए, देखिए आप कह रहा है कि अगर 10% सीपी 10% का प्रॉफिट जो है, कह रहा 10% का प्रॉफिट यदि यदि हमारा जो एसपी है, एसपी नहीं सॉरी सीपी है, जो हमारी क्या है सीपी के कितना ले लें 20% ले लें, यानी कि 10% प्रॉफिट जो है यदि सीपी के 20% कम कर दें, क्या करते हैं कम कर दें, सीपी अगर कम कर दें और 200 रुपये क्या कर दें ज़्यादा कर दें, 200 रुपये हम क्या कर दें अधिक कर दें, ज़्यादा कर दें अधिक कर, अधिक में क्या करें अधिक में बेचें, अधिक में बेचें तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 40%, 40% हो जाता है। तो हमें क्या करना है, तो हमें सीपी निकालना है, तो हमें क्या करना है, तो हमें सीपी निकालना है। देखिए आप सभी, यहाँ से सीपी और एसपी का रिलेशन निकालिए आप, पहले अगर हम सीपी मान लें 100 रुपये,
तो 100 रेशियो मान लें, इसमें क्या हो रहा है, 20 रेशियो क्या हो रही है, 20% क्या हो रही है, कम ही हो रही है। यानी कि जब 100 में से हम 20% घटा देंगे तो कितना आएगा, 80 रेशियो आएगा। कितना आएगा, 80 रेशियो आएगा। आगे देखिए आप कह रहा, कम करने पर 200 रुपये अधिक पे अधिक किया जाए तो लाभ कितना, 40% हो जाता है। कितना, 40%। तो जब 80 का जब 40% निकालेंगे, यानी कि 80 का 140% निकालेंगे, बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कितना आएगा, जब 80 का 140%, क्यों, क्योंकि 40% प्रॉफिट हमारा यहाँ पर हो जाता है, तो नेट कितना आएगा, 80 का 140% आएगा। कितना आएगा, 112 आएगा। 80 का 140% कितना होता है, 12 होता है। ठीक, अब आगे देखिए, यह हमारा सीपी कितना था, पहले प्रॉफिट कितना, पहले प्रॉफिट हमारा 10% हो रहा था, यानी कि अगर हमारा सीपी 100 माने तो प्रॉफिट कितना, 110 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो कितना रेशो ज़्यादा है, यानी कि 2 रेशो की बात है, दो यानी 110 से कितना, 112, यानी कि 2 रेशो, 200 बार कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना ज़्यादा है, 300, 200 रुपया, 1 रेशो बराबर 100 रुपया, 100 रुपया। मैंने निकालना क्या, सीपी निकालना है, सीपी हमारा कितनी है, 100 रेशो है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 10,000 आ जाएगा। सीपी हमारी कितनी है, 100 रेशो, 1 रेशो का मान 100, तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। अगर ही अगर डायरेक्ट की बात करें, इस क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट आंसर कैसे लाएंगे, उसको आप सभी देखिए। मान लीजिए पहले कितना था, 10% प्रॉफिट होता था, बाद में कितना हो रहा है, 40% हो रहा है। पहले तो देखिए, पहले तो हो रहा था 10%, ओके, बाद में कितना हुआ, 40%। इसका जो अंतर कितना है, 30% का, पहले 10 बाद में 1 किसके बराबर होगा, यह किसके बराबर होगा। उसके लिए आप देखिए, जो 20% है, 20% क्या हुई, कमी हुई, और 200 रुपये क्या हुई, अधिक हुए। यानी कि पहले तो 20% की जो कमी हुई है, प्लस 200 रुपये क्या हुए हैं, अधिक हुए, 200 रुपये अधिक हुए हैं, और प्लस कितना, 8%। किसका 8%, 8% किसका, यानी कि इस कह रहा है 20%, और जो 8% आएंगे तो किसके आएंगे, ये कितना, जो 40% हो रहा है, किसका 40%, तो सॉरी किसका, 20 का 40%, 20 का 40% कितना आएगा, यानी कि पहले 20% था और उसका हम निकालेंगे कितना, 40%, तो कितना आएगा, 8% आएगा, प्लस का 8%। यहाँ से कितना आएगा, 20 30 20 निकल जाएगा, कितना आएगा, 10 10% आएगा, 10% बराबर, सॉरी 10 नहीं कम आएगा, क्योंकि इधर हमारा कितना, इधर 20%, अब प्लस 8 कितना हो गया, 28%। जब इधर आएगा, यानी 30% में से जो हमारा 28% जाएगा, ये किसके बराबर है, ये हमारा 200 के बराबर है, यानी कि यहाँ कितना, 2%, 2% बराबर 200, तो 1% बराबर 100। हमारा सी पी यहाँ कितना माने थे, 100 रेशियो माने थे, यानी 100% माने थे, जब 100% बराबर कितना हो जाएगा, 10 के, ये जाएगा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि किसी बिक्री मूल्य को अगर 263 रुपये में वृद्धि करने पर 21% की हानि जो है 19% के लाभ में क्या परिवर्तित हो जाती है, तो वस्तु का लागत बताइए। मान लीजिए ये 263 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा 21% प्लस 19%। क्यों, क्योंकि जब इतने रुपये जब वृद्धि करा जा रहे हैं ना, तो जो 21% की हानि थी वो तो कवर हुई, प्लस 19% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि 21 प्लस 19 कितना आएगा, 40%, 40% बराबर कितना आ जाएगा, 263। तो यहाँ से 100% बराबर कितना होगा, 263/40 इंटू 100 इंटू क्या होगा, 100 होगा, 0 से 0, 4 करना 4, 4 6 24, बचा कितना, 2 हो गया, 23, 4 5 20, 7 5 35.5, यानी कि 600, इतना 600, यानी 657 रुपये कितना, 50 पैसा आया। ये हमारा क्या हुआ,
हमारा सीपीयू हुआ, यानी कि सीपीयू ऑर्डर कितना आएगा 657.5 रुपीज़। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक डीलर ने दो प्रकार की वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक को जो है ना 20 रुपये में बेचा, उनमें से एक को 25% हान पे, दूसरे 25% लाभ पे, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रश्न बताइए। मैंने पहली वस्तु दूसरी वस्तु पहले को बेचा 25% क्या बोला लाभ पे, यानी 25% फ्रैक्शन मान 1/4, यानी कि 4 से क्या हो गया 5 हो गया, दूसरे 25% हान हो गई, यानी 4 से क्या आई 3 आई। ठीक, इसमें क्या समान है, इसमें क्या प्रत्येक को, प्रत्येक को उसने सेल किया कितने पे 20,000 पे, यानी प्रत्येक क्या सी पी सेम हो जाएगी, एस पी प्रत्येक की जब सेलिंग जब यानी 20,000 है, यानी कि प्रत्येक की एस पी सेम हो जाएगी, यानी कि अगर इसको हम 300 गुणा कर दें, इसको हम 500 गुणा कर दें, यानी 5 3 15, 3 5 15 आपस में एस पी क्या सेम हो गई, तो इधर भी 300 में गुणा करना पड़ेगा, इधर भी हमें 500। तो फाइनली देखिए आप 4 3 12, 4 5 20 कितना आया 32, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सी पी होता है, इधर कितना आया 5 3 15 5 3 15 कितना आया 30, 30 हमारा क्या हो गया एस पी हो गया, 30 हमारा क्या हो गया एस पी हो गया। हमें करना क्या है लाभ या हान बताइए, तो 32 रेशियो में 30 रेशियो में बेच दिया, यानी 2 रेशियो की हान हो गई 32 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 2 करना 2 16 दूना 32, 100/16 कितना आएगा 6.25% क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख के आप सभी बताइए इसका मान क्या होगा। देखिए कह रहा कि 10% और 15% दो क्रम के छूटे, यानी कि 10 से क्या हुआ 9 हुआ, अब 15 कितना 5/20, यानी 15% का फ्रैक्शन मान क्या होता है 5% का 1/20, यानी कि 3/20, यानी कि 20 से क्या आएगा 17 आएगा, 20 से क्या आएगा 17 आएगा। अब इसको देखिए आप, यानी कि इधर हो गया 217/9 153, कितने की छूट हुई यहाँ पे 47 रेशो क्या हुई छूट हुई, 47 रेशो की छूट हुई 200 के रिस्पेक्ट में, यानी अब ये ना निकालो आगे देखिए, अब इसको तो नहीं निकालना है, आगे देखिए अब आया क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 200 रेशो है ना ये क्या हुआ सीपी हुआ, ये किसके बराबर है 800 के बराबर, यानी कि 200 बराबर कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, तो हाँ 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जब 200 रेशो बराबर कितना है 800 है, यानी कि 2 चक्कू 8, यानी 1 रेशो बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, ये एस पी है, एस पी कितना है 153 रेशियो, इसको अगर 400 गुणा कर दें कितना आएगा 4 3 12 2 हासिल बचा 1, 4 5 20 121, 4 1 4 2 6 कितना 612 आ गया। कह रहा है कि उस पर जो है 38 रुपया क्या किया खर्च किया, 38 रुपया क्या किया उसने खर्च किया, तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी कि प्लस का 38 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 2 10 और 3 4 5 कितना 650 रुपये हो जाएगा, 650 रुपये क्या हो जाएगा उसकी सी पी हो जाएगी, यानी सी पी इसकी क्या हो जाएगी सी पी हो जाएगी, सी पी कितना 650 रुपया, उसने सेल कितने किया 1040 का, तो कितना प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ भाई, जब 650 रुपये उससे क्या निकल गया सी पी निकल गया 1040 को बेचा है तो कितना प्रॉफिट आएगा 200, कितना आएगा जब 1040 में से हम जब 650 निकालेंगे तो कितना आएगा 350, यानी कि 390 रुपये आएगा, कितना आएगा प्रॉफिट कितना आएगा 390 आएगा। नहीं बात समझ आई, देखिए ये हमारा क्या है एस पी है, एस पी 1050 1040 है, 1040 है हमने खरीदा था 650 का, जब 1040 में से हम 650 क्या करेंगे निकालेंगे तो कितना आएगा 390 आएगा, ये हमारा क्या प्रॉफिट है, तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा देखिए आप 390 का हमारा प्रॉफिट हुआ, यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 390 का हमारा प्रॉफिट हुआ किसके रिस्पेक्ट में 650 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100 इंटू क्या होगा 100 होगा 0 से 0, फिर 13 5 65 13 3 39, 5 5 20 5 100 परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना आया 60% आया।
कितना है, 60% है, ऑप्शन नंबर ए दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसको देखिए, कह रहा है कि 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी को विक्रय मूल्य के 10 मीटर कपड़े के बराबर लाभ होता है, यानी कि 10 SP बराबर क्या होता है, क्या होता है, लाभ होता है ना, यानी कि लाभ कब होगा, जब हमारा SP का मान ज़्यादा होगा, यानी कि 30 SP माइनस 30 CP। देखिए यहाँ पर कितना, 30 CP, 30 CP बराबर क्या हो जाएगा, 30 CP बराबर 10 SP, 30 में से घटेंगे कितना आएगा, 20 SP आएगा, 20 का आएगा, 20 SP आएगा। यहाँ से CP/SP का रेशियो देखिए, CP/SP यानी कि 20/30 बराबर क्या आएगा, 2/3 आएगा, 2/3 आएगा, यानी कि CP का मान 2 रेशियो, SP का मान 1 रेशियो, 1 रेशियो का प्रॉफिट हुआ है, 2 रेशियो में इंटू 100 बराबर कितना है, 50% है, कितना है, 50% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप सभी आंसर दे दीजिए, आंसर क्या आएगा देखिए आप, ये आपके लिए SW रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।